हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। फ्रेंड्स, आज हम मराठवाड़ा का एक नंबर का कॉलेज इंजीनियरिंग का वो देखने वाले हैं, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, अभी जो हम छत्रपति संभाजी नगर से कहते हैं। तो ये कॉलेज का आज रिव्यू देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो टॉप 10 कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर आता है। पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना इस्टेब्लिश है, 1960 का इस्टेब्लिश है दोस्तों। ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुराने टाइप की है, लेकिन यार यहाँ जैसे मैंने कहा कि जितना पुराना कॉलेज होता है उतना कंपनी रिक्रूटर्स जो होते हैं उनके साथ एक अलग अटैचमेंट होती है, तो ज़्यादा करके जो ओल्ड कॉलेजेस है वहाँ पे परसेंटाइल भी हाई जाता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे फीस प्लेसमेंट सब देखेंगे। एड्रेस उस्मानपुरा रेलवे स्टेशन रोड औरंगाबाद, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज है, इस्टैब्लिश इन 1960, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है एंड अप्रूव्ड बाय AICTE। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। स्पेशलाइजेशंस टोटल 6 ब्रांचेस वहाँ पे है, जिसमें हम हमारा बी कंप्लीट कर सकते हैं अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS ब्रांच 60, हर एक ब्रांच का 60 इंटेक कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENTC, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक ब्रांच के लिए 60 का इंटेक कैपेसिटी है। एंड यहाँ पे जो लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, लैब्स है दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है। वहाँ पे जो फैकल्टीज है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एंड नॉलेजेबल है। उसके बाद में यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो फी स्ट्रक्चर लास्ट ईयर यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर था वो ओपन कैटेगरी लिए था 81,851 रुपीज़, SC एंड ST कैटेगरी के लिए 1,501 रुपीज़, OBC, VJ, NT, SBC इनके लिए था 41,351 रुपीज़, EWS एंड EBC ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये फैसिलिटी मिलती है उनके लिए फ़ीस भरना पड़ेगी 74,351 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये फ़ीस स्ट्रक्चर उनका जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज उनसी ने द्वारा पब्लिक किया गया है। आप देख सकते हैं 22-23 का ये फ़ीस स्ट्रक्चर था। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, इनका फीस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा है। देन हम देखेंगे यहाँ पे कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है क्या। तो इन सिटी है दोस्तों, यानी कि इन द हार्ट ऑफ सिटी ये कॉलेज है, तो आपको कॉलेज से जो हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है वो भी मिल सकता है, या फिर आप रेंट के हिसाब से या फिर पेइंग गेस्ट के हिसाब से भी आपको आराम से यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल टोटल इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पे 389 एंड गर्ल्स का है 405 टोटल इनटेक कैपेसिटी दोस्तों, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे बॉयज़ आ गए। उसके बाद में फी अगर देखेंगे तो 28.2K पर ईयर, 28,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका हॉस्टल अकोमोडेशन फीस लगेगा। गर्ल्स के लिए 23,000 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली टोटल यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा लगने वाला है। हॉस्टल अगर देखेंगे आप, 3 शेयरिंग 2 शेयरिंग वाला है, यहाँ पे आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, वाईफाई आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी के यार जनरल जो फैसिलिटी है वो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज अब तक यहाँ पे मिला है 17 लाख पर ईयर एंड एवरेज पैकेज 9-10 लाख पर ईयर, यानी कि बहुत बढ़िया यहाँ पे अब तक एवरेज पैकेज मिल चुका है। अच्छे अच्छे कंपनियाँ हर साल यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आते हैं, जैसे कि TCS है या फिर सीमेंस है, वेराक है, इंडोरेंस है, विप्रो है, अच्छे अच्छे कंपनियाँ हर साल यहाँ पे आते हैं। एंड एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट रेशियो अब तक ये कॉलेज ने दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने कितना परसेंटाइल लगेगा सो दैट यहाँ पे हमारा नंबर लग सकता है। तो लास्ट ईयर 2022 MST CET का कट ऑफ देखेंगे, ओपन जनरल ओपन का कट ऑफ यहाँ पे 97.65 है, लेडीज़ ओपन के लिए 96.36, जनरल OBC कैटेगरी का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 97.22 एंड लेडीज़ OBC का कट ऑफ था 95.39।
NT1, NT2, NT3 का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। SC कैटेगरी का जनरल का 92.47 एंड लेडीज SC कैटेगरी के लिए 90.56। जैसे यहाँ पे ST कैटेगरी का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था 72.58, लेडीज ST कैटेगरी का कट ऑफ था 65.80, विजय जनरल का कट ऑफ था 94.70 एंड लेडीज विजय कैटेगरी का कट ऑफ था 92.42। EWS इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 97.22 यानी कि नियर अबाउट ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसके आसपास ये। TFWS 97.76 कट ऑफ था। पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओपन का 56.15। डिफेंस ओपन यानी कि वार्ड ऑफ डिफेंस ओपन कैटेगरी का 92.89 एंड PWDRSC यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी रिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट SC के लिए 85.27। इतना कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। तो होप आपको एक आइडिया आ चुकी होगी कि कितना परसेंटाइल होना चाहिए सो दैट यहाँ पे हमारा नंबर लग सकता है। ये जो परसेंटाइल है दोस्तों ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CS ब्रांच का कट ऑफ है। बाकी के जो ब्रांच है उसका कट ऑफ इसी के आसपास होता है, थोड़ा कम होता है इससे। सो दैट आपको एक आइडिया लग सकता है कि कौन सी ब्रांच मिल सकती है या फिर आपकी जो ब्रांच है जिसमें आप करियर करना चाहते हैं कितना परसेंटेज लग सकता है, इसका आइडिया आपको आ सकता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।